Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. My dear students, I welcome you all again. I'm your chemistry tutor, Yasir sir. And this is video lecture number 14 for the class 11th. We are discussing the chapter equilibrium, my dear students. तो लास्ट लेक्चर जो था जो लेक्चर नंबर 13 है उसमें हमने ये डिस्कस किया था कि जब भी आप एक्टिव मास जो देते हैं तो हमेशा एक्टिव मास अगर आपको प्योर सॉलिड से या प्योर लिक्विड्स का लेना है तो वो हम यूनिटी लेते हैं माय डियर स्टूडेंट्स बिकॉज लेक्चर नंबर 13 मैंने जो देखा वो लास्ट एक डेढ़ मिनट जो है वो रिकॉर्ड नहीं हो पाया है इसलिए मैं वो चीज पहले आपको क्लियर करना चाहता हूँ और उसके बाद जो है हम आगे चलेंगे तो मैं उस इक्वेशन पे आता हूँ कि इक्वेशन क्या थी हमारी हमने कहा था द मोलर कॉन्सेंट्रेशन सी जो कि लास्ट वाली इक्वेशन थी जहां पे लेक्चर नंबर 13 कंक्लूड हुआ था वो क्या था दैट मोलर कॉन्सेंट्रेशन सी जो है दैट इज इक्वल टू डेंसिटी डिवाइडेड बाई मॉलिक्यूलर मास ये एक नेट इक्वेशन आई थी माय डियर स्टूडेंट्स देखिए मोलर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ अ सब्सटेंस इज इक्वल टू द डेंसिटी ऑफ दैट सब्सटेंस डिवाइडेड बाई द मॉलिक्यूलर मास ऑफ दैट सब्सटेंस कहने का मतलब क्या है अगर हम कहेंगे एट कॉन्स्टेंट टेम्परेचर अगर हम बात करेंगे एट कॉन्स्टेंट टेम्परेचर देखिए इस चीज को समझिए आप एट कॉन्स्टेंट टेम्परेचर जो डेंसिटी होती है मैं यहां पे लिखूंगा एट कॉन्स्टेंट टेम्परेचर डेंसिटी ऑफ बोथ सॉलिड्स डेंसिटी ऑफ बोथ सॉलिड्स एंड लिक्विड्स जो होती है मैंने ऊपर ही लिखा ऑलरेडी एट कॉन्स्टेंट टेम्परेचर is independent of volume इस बात को समझिए is independent of volume basically क्या है मैं आपको एक important चीज बताना चाहूंगा density जो एक substance की होती है जो symbol rho से represent की जाती है वो basically दो factors पे depend करती है एक तो temperature पे depend करती है और दूसरा जो है density जो होती है usually firstly depends upon the temperature अब कैसे डिपेंड करता है क्या करता है कभी डायरेक्टली प्रोपोर्शन इनवर्सली प्रोपोर्शन सॉलिड्स लिक्विड्स के केस में अलग होता है गैसेस के केस में सपोज अलग हो जाता है एंड इट आल्सो डिपेंड्स अपॉन द वॉल्यूम लेकिन जब आप जगह टेम्परेचर कांस्टेंट रखते हो यानी कि टेम्परेचर का इफेक्ट नहीं देखते हो तो इसका मतलब है डेंसिटी यूजुअली वॉल्यूम पे डिपेंड करता है मगर इन केस ऑफ सॉलिड्स एंड लिक्विड्स आपको पता है सॉलिड्स एंड लिक्विड्स में डेंसिटी इंडिपेंडेंट ऑफ वॉल्यूम इसलिए होती है बिकॉज सॉलिड्स एंड लिक्विड्स में माय डियर स्टूडेंट्स इंटर एटॉमिक डिस्टेंसेस जो होती है स्पेसेस जो होती है वो ऑलरेडी बहुत कम होती है बिकॉज एटम्स मॉलिक्यूल्स में बहुत ऑलरेडी टच किए होते हैं एक दूसरे के साथ लेकिन वहां पे स्पेस नहीं होती है तो इसलिए वहां पे आप वॉल्यूम को चेंज नहीं कर सकते हो बिकॉज वॉल्यूम ऑलरेडी वहां पे बहुत कम होता है तो दैट्स व्हाई हम कहते हैं दैट एट कांस्टेंट टेंपरेचर सिंस द डेंसिटी ऑफ बोथ सॉलिड्स एंड लिक्विड्स इज इंडिपेंडेंट ऑफ वॉल्यूम इसका मतलब ये टर्म जो है वो इन केस ऑफ सॉलिड्स density for solids वो ऐसे भी लिख सकता हूँ that is rho for solids and rho that means density for liquids ये रहती है constant जब ये constant रहेगी molecular mass तो already constant है जब molecular mass already constant है density in case of solids and liquids वो constant रहती है तो इसका मतलब है molar concentration constant रहती है जब molar concentration इनकी जब इसका मतलब है C जो है molar concentration जिसको आप कहते हो मोलर कॉन्सेंट्रेशन जब आपकी मोलर कॉन्सेंट्रेशन ही कॉन्स्टेंट रहती है तो मोलर कॉन्सेंट्रेशन कॉन्स्टेंट रहना इसका मतलब ये चेंज नहीं होता तो वो चेंज ना होना माय डियर स्टूडेंट इसीलिए हम मोलर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ प्योर सॉलिड्स या मोलर कॉन्सेंट्रेशन अगर प्योर लिक्विड की होगी तो वो हम जिगर यूनिटी के बराबर लेते हैं यानी कि सॉलिड के लिए भी और लिक्विड के लिए भी मोलर कॉन्सेंट्रेशन यूनिटी के बराबर लिया जाता है यूनिटी का मतलब यहां पे ये है दैट इट डज नॉट डिपेंड अपॉन द वॉल्यूम ऑफ द सब्सटेंस एट कॉन्स्टेंट टेम्परेचर मगर अगर आप गैसेस की आप बात करेंगे तो जहां पर भी आपको इक्विलिब्रियम कॉन्स्टेंट की एक्सप्रेशन में एक्टिव मास हम सॉलिड ब्रैकेट से लेते हैं सॉलिड का हो या किसी प्योर लिक्विड का हो उसके बजाय आपको वन लेना है यूनिटी लेना है बिकॉज मोलर कॉन्सेंट्रेशन डू नॉट चेंज देयर लेकिन अगर हम गैसेस की बात करेंगे फॉर गैसेस एट कॉन्स्टेंट टेम्परेचर चलो यहां पे भी हम टेम्परेचर कॉन्स्टेंट रखेंगे अगर हम गैसेस की बात करेंगे एट कॉन्स्टेंट टेम्परेचर तो वहां क्या है वहां डेंसिटी जो है माय डियर स्टूडेंट्स वहां पे इट डिपेंड्स अपॉन द वॉल्यूम दैट मींस इट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द वॉल्यूम ऑफ द सब्सटेंस इसका क्या मतलब हुआ
क्योंकि आपको पता है गैसेस में इंटर पार्टिकल स्पेसेस कांस्टेंट नहीं रहती है। जितना आप एक गैस और सबस्टेंस को स्पेस देंगे उतना वो ज्यादा फैल जाता है, यानी कि वहां पे वॉल्यूम कांस्टेंट नहीं रहता है। इन केस अगर आप इसके बरक्स लिक्विड लोगे, लिक्विड को आपने किसी कंटेनर में डाला तो लिक्विड जो है वो कंटेनर को फिल करता है, डिपेंड्स अपॉन द अमाउंट, बिल्कुल बॉटम से ही वो फिल करने लगता है, वो भागता नहीं है यूजुअली। लेकिन गैसेस का क्या है, जितनी आप उसको स्पेस ज्यादा देंगे उतना ही ज्यादा फैलता है। तो इसका मतलब क्या है कि इन केस ऑफ गैसेस एट कांस्टेंट टेंपरेचर डेंसिटी वॉल्यूम पे डिपेंड करता है। जब ये वॉल्यूम पे डिपेंड करेगा, अब कैसे डिपेंड करेगा, इनवर्सली, जितना आप वॉल्यूम ज्यादा लेंगे उतनी डेंसिटी जाहिर सी बात है कम है। जब यहां पे गैसेस के केस में, फॉर गैसेस सिंस डेंसिटी डिपेंड्स अपॉन द वॉल्यूम, जब ये वॉल्यूम पे डिपेंड करेगा, यानी कि आप वॉल्यूम चेंज करोगे डेंसिटी चेंज होगी, आप वॉल्यूम ज्यादा करोगे डेंसिटी कम होगी, आप वॉल्यूम कम करोगे डेंसिटी ज्यादा होगी। कहने का मतलब ये है दैट डेंसिटी ऑफ अ सबस्टेंस फॉर गैसियस सबस्टेंस इज नॉट कांस्टेंट। बट स्टूडेंट, जब डेंसिटी ही कांस्टेंट नहीं है, चलो मोलर मोलर मास कांस्टेंट है, गैसेस के लिए जब डेंसिटी कांस्टेंट नहीं है इसीलिए उनमें मोलर कॉन्सेंट्रेशन कांस्टेंट नहीं रह सकती। तो गैसियस सबस्टेंस के लिए हम वो यूनिटी नहीं लेते हैं, इस बात को समझिए अच्छे से। तो ये प्रीवियस वीडियो लेक्चर में थोड़ा सा रह गया था जो मैंने आपको यहाँ पे क्लियर किया। तो अब आज जो हमने पढ़ना है, तो अब एक्सप्रेशन में जब भी हमें प्योर सॉलिड होगा या लिक्विड होगा, कहीं पे प्योर लिक्विड हो या एक्सेस में हो, तो उस टाइम हम उसकी मोलर कॉन्सेंट्रेशन को यानी कि एक्टिव मास को यूनिटी लेंगे, यानी कि सीधे हमें उसके लिए वन लिखना है। लेकिन गैसियस सब्सटेंस के लिए जो भी दिया होगा वो आपको इनकॉर्पोरेट करना पड़ेगा। तो आज का जो टॉपिक है डियर स्टूडेंट्स वो ये है दैट टाइप्स ऑफ इक्विलिब्रिया क्या होता है। हालांकि हमने इसे पहले भी पढ़ा, टाइप्स ऑफ इक्विलिब्रिया, फिजिकल इक्विलिब्रिया, केमिकल इक्विलिब्रिया, लेकिन आज का जो इक्विलिब्रिया है उसको जो टाइप्स है वो थोड़ी डिफरेंट टाइप्स है, वो क्या है। तो पहला मैं डिस्कस करता हूं यहां पे, पहला टाइप ऑफ इक्विलिब्रिया जो है वो है होमोजीनस, होमोजीनस इक्विलिब्रिया, होमोजीनस इक्विलिब्रिया। होमोजीनस इक्विलिब्रिया क्या होता है इस बात को आप समझिए। देखिए माय डियर स्टूडेंट्स, अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग इज दैट होमोजीनस जो टर्म है ये दो वर्ड से निकली है। देखो, एक तो है होमो जिसका मतलब है सेम, होमो का मतलब है सेम, और दूसरा है जीनस, जीनस का मतलब है माय डियर स्टूडेंट्स फेज। और इक्विलिब्रिया कॉन्सेप्ट आपको पता है, इक्विलिब्रिया एक ऐसा पॉइंट है, स्टेज है एक रिवर्सिबल फिजिकल या केमिकल प्रोसेस में जहां पे सिस्टम जो है वो कांस्टेंट पैरामीटर्स आपने मेंटेन करता है, जहां पे फॉरवर्ड प्रोसेस इक्वल टू बैकवर्ड प्रोसेस होती है। यानी कि कहना मुझे ये है दैट ऐसे टाइप ऑफ कोई प्रोसेस जो फिजिकल हो या केमिकल हो जिसमें रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट्स का फेज सेम, मैं ऐसे लिखूंगा यहां पे, मैं क्या लिखूंगा यहां पे, देखो मैं क्या लिखूंगा यहां पे, यानी कि when all the reactants slash products are present in same phase, phase ek hi ho, are present in same phase at equilibrium, is baat ko samajhiye aap। एक ऐसी प्रोसेस जिसमें रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स का फेज होता है फिजिकल स्टेट जिसमें वो एक्जिस्ट करते हैं, सॉलिड हो लिक्विड हो या गैस हो, लेकिन सॉलिड हम यहां पे नहीं लेते बिकॉज सॉलिड्स की मोलर कॉन्सेंट्रेशन यूजुअली इनकॉर्पोरेट नहीं की जाती, यूनिटी ली जाती है, मैं पहले ही बता चुका हूं, और प्योर लिक्विड्स की भी यूनिटी ली जाती है, लेकिन अगर एक्वस फेज होगा तो उसकी ली जाती है। मैंने क्या लिखा, एक ऐसा इक्विलिब्रिया जिसमें सारे रिएक्टेंट्स भी और प्रोडक्ट्स भी प्रेजेंट एक ही फेज में हो, उस टाइप ऑफ इक्विलिब्रिया को आप होमोजीनस इक्विलिब्रिया कहते हैं। बिकॉज होमोजीनस का मतलब है जब रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट्स का फेज सेम हो, उस टाइम उस इक्विलिब्रियम को हम क्या कहते हैं, होमोजीनस इक्विलिब्रियम। कहने का क्या मतलब है, फॉर एग्जांपल मैं एक रिएक्शन दूंगा यहां पे, फॉर एग्जांपल मैं यहां पे लिखूंगा एग्जांपल ऑफ होमोजीनस इक्विलिब्रिया। देखो मान लो मेरे पास रिएक्शन है हेबर्स प्रोसेस जो आपने बहुत दफा पढ़ी होगी, नाइट्रोजन गैस प्लस 3 टाइम्स हाइड्रोजन गैस gives forward backward means reversible process twice NH3 gas। देखिए my dear students, अगर आप यहां पे चेक करेंगे, यहां पे reactant ये है, यहां पे product ये है, आप देखो reactants जो है वो भी gaseous phase में है और products भी है जो है वो gaseous phase में है। तो इस reaction के लिए जब equilibrium आएगा उस इक्विलिब्रियम को आप कहोगे होमोजीनस इक्विलिब्रिया, बिकॉज़ रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट्स जो है वो एक ही फेज में है और यहां पे जो
यहां पे जो सेम फेज है सबका, मैं यहां पे लिखता हूं, यहां पे जो सब का फेज सेम है वो है गैशियस फेज, वो है गैशियस फेज। उस टाइप ऑफ इक्विलिब्रियम को हम होमोजेनस इक्विलिब्रियम कहते हैं। बहुत सिंपल है, देखिए मुझे बताइए इस रिएक्शन के लिए आप चलिए माय डियर स्टूडेंट्स Kc निकालिए, एट इक्विलिब्रियम तो निकाल देना, मैं लिखूंगा एट इक्विलिब्रियम, एट इक्विलिब्रियम। बताइए इस रिएक्शन के लिए Kc क्या वैल्यू क्या होगा, तो बताइए क्या होगा, Kc विल बी इक्वल टू द एक्टिव मास ऑफ प्रोडक्ट दैट इज NH3, और उसका जो स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट है वो उसमें पावर चढ़ेगा दैट इज 2 डिवाइडेड बाय एक्टिव मास ऑफ रिएक्टेंट्स, पहले नाइट्रोजन है उसका स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट 1 है तो 1 लिखना जरूरी नहीं है, एंड मल्टीप्लाइड बाय एक्टिव मास ऑफ हाइड्रोजन और उसका स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट जो है वो 3 है। तो यहां पे जो मैंने स्क्वायर ब्रैकेट में NH3 लिखा ये रिप्रेजेंट करता है मोलर कॉन्सेंट्रेशन, यानी कि सी जो हमने ऊपर लिखा था, मोलर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ अमोनिया एट इक्विलिब्रियम, मोलर कॉन्सेंट्रेशन। जब मैंने कॉन्सेंट्रेशन की बात की इसलिए मैंने Kc लिखा, और उसके पावर वो जो पावर चढ़ता है उसका, वो उसका स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट है जो कि बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन में होता है। सिमिलरली N2 रिप्रेजेंट्स द मोलर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट नाइट्रोजन एट इक्विलिब्रियम, एंड H2 रिप्रेजेंट्स द मोलर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट हाइड्रोजन एट इक्विलिब्रियम। ये तो अगर अगर इस रिएक्शन की गैशियस रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट्स की इक्विलिब्रियम में कॉन्सेंट्रेशन दी गई थी तो आप उस टाइम Kc निकालेंगे, लेकिन सिंस ये गैशियस रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट्स है तो अगर आपको कॉन्सेंट्रेशन के बजाय पार्शियल प्रेशर दिया था तो उस टाइम हम Kc के बजाय Kp लिखेंगे, और पहले वैसे ही लिखेंगे, पहले कॉन्सेंट्रेशन हम लिखते हैं, हालांकि यहाँ पे तो Kp लिखा तो यहाँ पे इंटरव्यूज ऑफ पार्शियल प्रेशर लिखना पड़ेगा आपको, तो मैं लिखूंगा पार्शियल प्रेशर ऑफ अमोनिया दैट इज NH3, और बाकी जो इसमें स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट है वो पावर में चढ़ेगा, डिवाइडेड बाई पार्शियल प्रेशर ऑफ नाइट्रोजन दैट इज N2 एंड मल्टीप्लाइड बाय द पार्शियल प्रेशर ऑफ हाइड्रोजन दैट इज H2, और उसमें पावर जो चढ़ेगा वो स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट होगा। तो ये इस रिएक्शन के लिए जो कि होमोजेनस रिएक्शन है, और एट इक्विलिब्रियम हम उसको कहेंगे होमोजेनस इक्विलिब्रिया, तो इस गैशियस रिएक्शन के लिए आप Kc भी निकाल सकते हो अगर आपको रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट्स की मोलर कॉन्सेंट्रेशन दी गई थी एट इक्विलिब्रियम पे, और अगर आपको पार्शियल प्रेशर दिए थे आप Kp निकाल सकते हो। तो ये एक एग्जांपल है जिसमें जो कि हमने होमोजेनस इक्विलिब्रियम में दी माय डियर स्टूडेंट्स आपको। अब चेक कीजिए यहां पे, अब मैं एक और एग्जांपल देता हूं, तो मैं ये रेज करता हूं, मान लो कभी कभार अगर आपको गैशियस फेज नहीं दिया गया बल्कि डिफरेंट कोई फेज दिया गया, जैसे एक्वस फेज, तो मैं यहां पे एक रिएक्शन लिखता हूं, मान लो मेरे पास रिएक्शन है CH3COOC2H5, इसको कहते हैं इथाइल एस्टेट, ये एस्टर है, सबको समझ आना चाहिए, और मान लो मैं इसकी हाइड्रोलिसिस करता हूं H2O, H2O आपको पता है ये लिक्विड है, ठीक है माय स्टूडेंट्स, तो व्हाट विल हैपन, ये जब इसकी हाइड्रोलिसिस होगी एक तो ये बनाएगा CH3COOH, of course ये aqueous form में होगा because water साथ में, and plus C2H5OH alcohol बनेगा वो भी aqueous form में होगा। अब देखिए since यहाँ पे आप देखोगे acetone जो है आप यहाँ पे भी aqueous ले सकते हो, कोई मसला नहीं है, आप यहाँ पे भी aqueous लिख सकते हो, plus water तो है ही aqueous form में, अब देखो ये भी aqueous में है, ये भी aqueous में है, ये भी aqueous में है, यानी कि फेज से जब फेज सेम है लेकिन यहाँ पे जो फेज है वो है aqueous, तो मैं यहाँ पे ऐसे लिखता हूँ aqueous, तो ये भी किसमें आएगा, ये भी होमोजेनस इक्विलिब्रियम में आएगा। होमोजेनस इक्विलिब्रियम का ये मतलब नहीं है खाली गैसियस है, जो भी सब्सटेंसेस है रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट्स उनका फेज जो है वो सेम हो। तो निकालिए इसके लिए Kc, तो हम लिखेंगे Kc विल बी इक्वल टू, चलिए बताइए क्या आएगा, CH3COOH जो कि एक्वस फॉर्म में है मल्टीप्लाइड बाय और कौन है प्रोडक्ट C2H5OH, वो भी किस फॉर्म में है, एक्वस फॉर्म में है, तो ब्रैकेट क्लोज करूंगा, डिवाइडेड बाय यहां पे आएगा CH3COOC2H5 जो कि आपका एसिटर है, ये भी एक्वस फॉर्म में होगा, ठीक है, एंड मल्टीप्लाइड बाय H2O जो कि आपका लिक्विड फॉर्म में है। सिंस मैंने अभी आपको कहा दैट सिंस H2O ये प्योर है और लिक्विड फॉर्म में है, तो इसकी मोलर कॉन्सेंट्रेशन अगर मैं ऐसे लिखूंगा वो आप यूनिटी के बजाय लिख सकते हो, और इसलिए फिर हम हालांकि इसकी कॉन्सेंट्रेशन 58.5 मोल्स एग्जैक्ट नहीं जाती है, 55.5 मोल समथिंग ये ऐसे निकलता है, फिर मोल निकलती है इसकी कॉन्सेंट्रेशन, वो बाद में सीखेंगे आप जब आप प्रॉब्लम्स और ज्यादा करेंगे, इनकी मैं कभी कभार ऐसी यूनिटी भी ले सकता हूं। तो ये भी कौन सा टाइप ऑफ इक्विलिब्रिया है डियर स्टूडेंट्स, ये होमोजेनस इक्विलिब्रिया है। तो ये मैंने कुछ एग्जांपल्स दे दिए, अब मैं यहां पे क्या करूंगा, अब मैं यहां पे हेटेरोजेनस एग्जांपल की बात करूंगा।
हेटेरोजेनस एग्जांपल में चीजें जो है और ज्यादा क्लियर हो जाएगी आपको। देखो यहां पे लिखता हूं हेटेरोजेनस इक्विलिब्रिया जो कि हमारा दूसरा है। तो हेटेरोजेनस क्या होता है? हेटेरोजेनस ऐसा इक्विलिब्रिया होता है बिल्कुल इसका रिवर्स। मैं यहां पे लिखूंगा हेटेरो। हेटेरो का मतलब है डिफरेंट, जहां पे डिफरेंट फेज हो सेम फेज नहीं हो, जहां पे डिफरेंट फेज हो। तो बताओ वहां पे क्या होगा, वहां पे सेम फेज आएगा कि डिफरेंट फेज आएगा? वहां पे तो डिफरेंट फेज आएगा। फॉर एग्जांपल वहां पे जो है एक्वस फेज में भी है, गैशियस में भी है। तो मैं इसकी आपको एक एग्जांपल दूंगा, बहुत ही सिंपल एग्जांपल है और बहुत दफा पूछी गई है। तो देखिए जब आपको एक ऐसा इक्विलिब्रियम होगा जहां पे रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट्स जो है वो प्रेजेंट होंगे डिफरेंट फेज में, उनका सबका फेज सेम नहीं होगा बल्कि वो वेरी करेगा। किसी का गैशियस होगा मान लो, किसी का एक्वस है या किसी का सॉलिड है, तो उस टाइप ऑफ इक्विलिब्रिया को आप हेटेरोजेनस इक्विलिब्रिया कहते हो। तो हेटेरोजेनस इक्विलिब्रियम में हम चलो डियर स्टूडेंट्स एग्जाम्पल देंगे और एग्जाम्पल से ही आपको समझाएंगे। देखिए मान लो मेरे पास एक रिएक्शन है CaCO3, दैट इज कैल्शियम कार्बोनेट, सबको पता है ये सॉलिड है, जिसको आप मार्बल भी कहते हो या व्हाइट स्टोन भी कहते हो। ये मान लो ये थर्मली डिकम्पोज हो रहा है, तो मैं इसको क्या करूंगा, मैं इसको हीट करूंगा। आपको पता है जब इसको हीट करते हैं, 10 क्लास में भी ये रिएक्शन पढ़ी होगी आपने, एक तो कैल्शियम ऑक्साइड बनता है जिसको आप चूना कहते हो, इसको क्विक लाइम भी कहते हैं सॉलिड फॉर्म में, और कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलता है CO2। देखिए अब आप खुद ही समझिए यहां पे जो फेजेस है रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट्स का, दो का तो सॉलिड है, एक का जो है वो गैस है। तो इसका मतलब है इसका फेज जो है वो डिफरेंट फेज है। यहां पे डिफरेंट फेज देखेंगे आप, यहां पे डिफरेंट फेज देखेंगे आप। जब आपने डिफरेंट फेज देखा तो ये हेटेरोजेनस इक्विलिब्रियम में आ जाएगा। अब चेक कीजिए, अब इस रिएक्शन में आपको क्या करना है। देखिए अगर मैं इस रिएक्शन के लिए एट इक्विलिब्रियम, बात समझिए, इस रिएक्शन के लिए एट इक्विलिब्रियम मुझे केसी लिखना हो, पहले मैं केसी लिखता हूं, वो किसके बराबर होगा चलिए बताइए। पहले तो प्रोडक्ट देखो क्या होगा, CaO जो कि सॉलिड फॉर्म में है, ब्रैकेट क्लोज करूंगा, मल्टीप्लाइड बाय दूसरा क्या है CO2 जो कि गैसियस फॉर्म में है, ब्रैकेट क्लोज, डिवाइडेड बाय रिएक्टेंट जो है वो कैल्शियम कार्बोनेट है, मैं लिखूंगा CaCO3 जो सॉलिड में है वो ऐसे लिखूंगा। देखिए अब सिंस आपको पता है माय डियर स्टूडेंट्स दैट एक्टिव मास जो प्योर सॉलिड का होता है, बिकॉज ये प्योर सॉलिड है, यहां पे क्विक लाइम, ये प्योर सॉलिड है क्विक लाइम जिसको आप चूना कहते हो, और ये भी प्योर सॉलिड है कैल्शियम कार्बोनेट। हमने पहले ही पढ़ा थोड़ी देर पहले दैट फॉर प्योर सॉलिड्स एंड प्योर लिक्विड्स उनका एक्टिव मास यूनिटी के बराबर लिया जाता है। तो बता मुझे यहां पे केसी किसके बराबर रहेगा, देयरफॉर केसी विल बी सिंपली इक्वल टू मोलर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड गैस, दैट इज इट। ब्रैकेट में हम क्या लिखेंगे, दैट मोलर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ CaO जो कि सॉलिड है दैट विल बी इक्वल टू 1, दैट इज यूनिटी बिकॉज वो प्योर सॉलिड है, एंड मोलर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ CaCO3 जो कि सॉलिड है दैट विल बी आल्सो इक्वल टू 1, दैट इज यूनिटी होगा। सबको समझ आया, बिकॉज सिंस ये प्योर सॉलिड्स है तो इनकी मोलर कॉन्सेंट्रेशन इक्विलिब्रियम कॉन्स्टेंट में नहीं आएगी। देयरफॉर यहां पे इस रिएक्शन के लिए अगर आपको इक्विलिब्रियम पे मोलर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड गैस दी है तो उस टाइम केसी डायरेक्टली आपको इसके बराबर लिखना पड़ेगा। ये बहुत बार क्वेश्चन नीट में पूछा गया है, फॉर दिस रिएक्शन व्हाट विल बी द इक्विलिब्रियम कॉन्स्टेंट, तो इक्विलिब्रियम कॉन्स्टेंट केसी इन टर्म्स ऑफ मोलर कॉन्सेंट्रेशन दैट इज इक्वल टू द मोलर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड गैस एट इक्विलिब्रियम। तो ये इसकी एक्सप्रेशन होगी, मैं यहां पे स्टार डाल देता हूं। मगर सिंस ये गैस है, सिंस ये गैस है, अगर कार्बन डाइऑक्साइड की मोलर कॉन्सेंट्रेशन के बजाय इसका पार्शियल प्रेशर दिया गया था, तो मैं यहां पे लिखूंगा इन टर्म्स ऑफ, मैं यहां पे लिखता हूं यहां पे इन टर्म्स ऑफ पार्शियल प्रेशर कॉमा KC will be changed to KP and that time it will be simply equal to partial pressure of carbon dioxide gas, that's it. ऐसे लिखना है। P का मतलब ही है partial pressure, bracket में फिर gas लिखना जरूरी नहीं है। Since इसका stoichiometric coefficient 1 था यहाँ पे, तो ऊपर लिखने की ज़रूरत नहीं है। तो this is the expression for the equilibrium constant either in terms of KC, either in terms of KP for the heterogeneous equilibrium for this reaction. सबको क्लियर हो गया, वेरी गुड माय स्टूडेंट्स। तो अब मैं क्या करूंगा काम, मैं आपको एक और एग्जांपल दूंगा हेटेरोजेनस इक्विलिब्रियम में। देखिए मैं एक और रिएक्शन लेता हूं, मानो मेरे पास एक रिएक्शन है निकल
निकल सॉलिड है, सबको पता है। मान लो ये कार्बन मोनोक्साइड गैस के साथ जो है रिएक्ट करके यहां पे ये बनाता है, देखिए NiCO4। इस कंपाउंड को टेट्रा कार्बोनिल निकल कहते हैं। मैं सबको बता दूं जिनको नहीं पता है, कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री का ये कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स है। तो ये निकल है, ये कार्बन मोनोक्साइड है और इसको कहते हैं टेट्रा कार्बोनिल, इसका नाम है टेट्रा कार्बोनिल निकल, इसका नाम है, ये भी गैसेस है। तो आप मुझे बताइए क्या ये होमोजीनस इक्विलिब्रियम में आएगी या हेटेरोजीनस? जाहिर सी बात है सॉलिड गैस और गैस, सिंस फेज डिफरेंट है, रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट्स कैन बी मिक्सचर है, डिफरेंट टाइप्स ऑफ इज प्रेजेंट है, देयरफॉर ये हेटेरोजीनस इक्विलिब्रियम में आ गया। तो निकालिए इसकी, बताइए Kc किसके बराबर होगा, तो कैसे लिखेंगे? दैट मींस मोलर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ टेट्रा कार्बोनिल निकल, पहले मैं ऐसे लिखूंगा सिंस वो गैसियस है, तो चलो अगर आप गैस नहीं भी लिखेंगे कोई प्रॉब्लम नहीं है, डिवाइडेड बाय, पहले मैं ऐसे लिखूंगा मोलर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ निकल, चलो मैं निकल अब लिखता ही नहीं हूं बिकॉज सॉलिड के लिए क्या होगा 1, तो इसकी जो एक्सप्रेशन होगी डियर स्टूडेंट्स वो ये होगी। ये कार्बन मोनोऑक्साइड है, कोबाल्ट नहीं पढ़ना है इसको, इस कार्बन मोनोऑक्साइड कोबाल्ट का वो जो है वो शॉर्ट होता है, वो छोटा होता है। तो यहां पे आपने क्या ध्यान में रखा, बिकॉज निकल की जो कि सॉलिड है उसकी मोलर कॉन्सेंट्रेशन यूनिटी ली जाएगी, वो मैं आपको समझा चुका हूं वो कैसे। तो इसके लिए Kc का वैल्यू ये होगा, लेकिन अगर आप इसी रिएक्शन के लिए सिंस इक्विलिब्रियम एक्सप्रेशन में जो प्रोडक्ट है रिएक्टेंट आ रहा है सिंस वो गैसियस है, आप खुद चेक कीजिए, तो ये रिएक्शन आप इन टर्म्स ऑफ Kp भी लिख सकते हैं। जब आपको ये Kb में लिखनी होगी उस टाइम सीधे आपको लिखना है पार्शियल प्रेशर ऑफ, ऐसे लिखेंगे पार्शियल प्रेशर ऑफ टेट्रा कार्बोनिल निकल, ऐसे में उसको पुट करूंगा, डिवाइडेड बाय पार्शियल प्रेशर ऑफ ब्रैकेट में लिखेंगे कार्बन मोनोऑक्साइड गैस। तो ये इस रिएक्शन के लिए Kp होगा माय डियर स्टूडेंट्स। तो दिस वाज ऑल अबाउट द होमोजीनस इक्विलिब्रियम एंड हेटेरोजीनस इक्विलिब्रियम। तो आपको सिंपली याद रखना है कि अगर आपको होमोजीनस इक्विलिब्रियम में एक रिएक्शन पूछी गई है तो माय डियर स्टूडेंट्स आप उसके लिए इक्विलिब्रियम कांस्टेंट जो है के इन टर्म्स ऑफ Kc भी निकाल सकते हैं अगर आपको मोलर कॉन्सेंट्रेशन दी गई थी, आप उसको इन टर्म्स ऑफ Kp भी निकाल सकते हैं अगर आपको जो है गैसियस रिएक्शन के लिए पार्शियल प्रेशर्स दिए गए थे। और हेटेरोजीनस इक्विलिब्रियम का जहां तक सवाल है, अगर आपको सॉलिड्स प्योर सॉलिड्स एंड लिक्विड्स इक्विलिब्रियम एक्सप्रेशन में आ रहे हैं तो उनको आप इंक्लूड नहीं करेंगे, दे विल बी इक्वल टू यूनिटी। द रीजन फॉर दैट इज दैट सिंस एक्टिव मास और द मोलर कॉन्सेंट्रेशन इज इक्वल टू द नंबर ऑफ मोल्स डिसॉल्वड पर लीटर, तो सिंस वॉल्यूम डिवीजन में आता है तो वहां पे वॉल्यूम सिंस उनका चेंज नहीं होता, और मैंने आपको अभी बताया दैट उसके लिए एक्सप्रेशन जो है इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के लिए वो है डेंसिटी डिवाइडेड बाय मॉलिक्यूलर मास। तो सिंस सॉलिड्स के लिए एंड लिक्विड्स के लिए डेंसिटी भी कांस्टेंट रहती है एट कांस्टेंट टेंपरेचर और मोलर मास तो रहता ही, तो इसलिए वहां पे उनकी मोलर कॉन्सेंट्रेशन के एक्टिव मास चेंज नहीं होता है, इसलिए उसको यूनिटी लिया जाता है। लेकिन गैसेस के लिए डेंसिटी कांस्टेंट नहीं रहती है, इसलिए हमें गैसियस रिएक्शंस के लिए जहां पे खासकर गैसियस रिएक्टेंट्स या प्रोडक्ट्स इन्वॉल्व हो इक्विलिब्रियम एक्सप्रेशन में इधर इन टर्म्स ऑफ Kc और Kb हमें खाली गैसियस सब्सटेंसेस इन्वॉल्व करने पड़ते हैं। तो इसमें बहुत सारे क्वेश्चंस आपसे पूछे जा सकते हैं माय डियर स्टूडेंट्स, तो प्लीज आप इनकी प्रैक्टिस करेंगे घर पे। तो दिस वाज ऑल अबाउट वीडियो लेक्चर नंबर 14 एंड इंशाल्लाह वी आर गोइंग टू डिस्कस वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक दैट इज लीचार्ड लेयर्स प्रिंसिपल। तो ये लगभग हमारा लास्ट टॉपिक होगा लीचार्ड लेयर्स प्रिंसिपल, उस पे हम कुछ क्वेश्चन भी करेंगे एंड दैट विल बी डिस्कस्ड इन लेक्चर नंबर 15। टिल देन फी अमानिल्लाह, अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह।